Hi viewers or today's topic is biography of American poetess Emily Dickinson whose complete name was Emily Elizabeth Dickinson. She was an American poet of 19th century. She was born in December 10 1830 in US and died in May 15 1886 US. She remained bachelor till death. She was known as the woman in white. Today, many scholars have debated over why she had chosen to start wearing white dresses and attire. Some make mention that she has buried in white with a white coffin, while others have been debated over the fact that she had chosen to include the colors white in her various poems throughout her writings. According to the author Wesley King, who wrote an article called "The White Symbolic of Emily Dickinson," Dickinson. यूज दर्ड वाइट इन थर्टी ऑफ आर वेरियस पोए इंक्लूडेड अ वाइट ब्राइडल ग्राउंडिकल ही गिवज हिज रीडर्स अंप सच पोइट्री वन वॉज कॉल अ सॉलमन किंग जज ओटिस फिलिप लॉर्ड अ डिकिसन लव इंटरेस्ट व्यूअर्स ये वो नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि एमरी डिकिंसन का इसके साथ लव अफेयर था गो कि इनसे एमिली डिकन्सन की शादी नहीं हो सकी और नाम भी आते हैं लेकिन इनका नाम ज्यादा मशहूर है एमिली के फादर का नाम था एडवर्ड डिकेंसन, जो कि लायर थे और ट्रस्टी थे एमरेस्ट कॉलेज के जिसमें एमिली पढ़ती रही थी एमिली डिकेंसन की वाला का नाम था एमिली नरकॉस डिकनसन सिबलिंग्स इसके बहन भाई भाई का नाम था विलियम ऑस्टन जो कि वो लायर थे और इनकी सिस्टर का नाम था लेविनिया। डिकिंसन एंड हर सिस्टर लेविनिया स्टार्टेड टुगेदर एट एमरेस्ट एकेडमी। एमली स्टडीड सेवन इयर्स एट एमरेस्ट एकेडमी। हर पेरेंटल ग्रैंडफादर फादर सेम्यूल वाज़ फाउंडर मेंबर ऑफ द एमरेस्ट कॉलेज जो कि एमरेस्ट कॉलेज के बानी मेम्बरों में शामिल थे कौन एमली के दादा सेम्यूल डिकिंसन इसके अलावा एमली ने तालीम हासिल की थी माउंट हॉलीयॉर्क फीमेल सैमरेरी में वन जी अठारह से अठारह सौ से। द तक दैम्रेरी वॉज लोकेटेड अलेवन माइल साउथ ऑफ एमरेस्ट इन साउथ हेडले मैसच्स वर्थ हिगिनसन सर्वड एज ए मैंटर टू फैमिली इन्होंने एमली के उस्ताद के तौर पर अपने अंजाम दिए बतौर शायरी के उस्ताद इन 1860, सिक्सटी शी अंडरवेंट मैनी सर्जरीज एंड स्पेंट अवरल मंथ एट ए हॉस्पिटल इन बॉस्टन कहा जाता है कि जो एमिली की भाभी थी सुजैन उसके साथ एमली का एक रोमांटिक रिलेशनशिप था और बाद में सुजैन मैरिड विद एमली ब्रदर ऑस्टिन पहले उनके साथ रिलेशनशिप से मशहूर भी हैं और उसके बाद उनकी शादी ऑस्टन से होती है जो कि एमिली के भाई हैं एमिली की फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है छाया हुई थी अठारह में अब एमिली और उसकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके हवाले से यहाँ भी क्लू मिलता है कि इनकी 11 पोइम्स जो हैं इनकी सिस्टर इन ला को डेडिकेट हैं जिनका नाम था सुजैन हटिंगटन गिलबर्ट डिकिंसन एमिली पे एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है वाइल्ड नाइट्स विद एमिली एमली के बाकी फ्रेंड्स का नाम अगर देखे चाहें एबिया रूट एबी वुड जेन हेम्फ्री और सुजैन जो कि इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में मशहूर हैं हार्ड पोइटिक्स वार्क्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। प्री 1861 इसमें कन्वेंशनल एंड सेंटिमेंटल किस्म की पोइट्री आपके सामने आती है 1861 से पैंसठ के दरमियान जो उनका फेज़ है पोइट्री का वो मोस्ट क्रिएटिव है

और वाइट कलर में थी अक्सर ये अपने घर ये तो तकरीबन अपने घर में ही रहीं और जब कभी बाहर निकलती थी तो इन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ होता था और ये भी कहा जाता है कि इनको वाइट ड्रेस में वाइट कोफिन के अंदर दफन किया गया था अब उसकी ज़रा वजूहत भी देख लें सूफिया हर कज़न सूफिया की एक सेकेंड कज़न थी अट्ठारह में उनकी डेथ हो गई इनके एक फ्रेंड थे लियोनार्ड हमफ्री अठारह में उनकी डेथ हो गई इनके फादर की डेथ अठारह में हो गई अठारह में इनकी वालदा की डेथ हो गई इनकी एक भतीजे की डेथ जो है अठारह से चौरासी के दरमियान हुई इस भतीजे के हवाले से इन्होंने एक पोइम भी लिखी इनका जो लव अफेयर था जिस शख्स के साथ जज ऑटिस उनकी डेथ जो है मार्च तेरह अठारह को सैलम में हो गई इनकी पोइट्री जो है ब्लड स्टेंजा एंड स्लेंट ड्रीम के इर्द गिर्द घूमती है उनकी पोइट्री में जो ज्यादातर एड्रेस किया गया है वो वर्ड सर और मास्टर है कहा जाता है कि क्रिएटर की तरफ इशारा है इन्फ्लुएंस इन पे जो ज्यादातर इन्फ्लुएंस था वो ब्लैक के मिस्टिसिज्म का था और एमर्सन्स के मेनरिज्म का था दिस वाज अ पोइट अ क्रिटिकल बायोग्राफी ऑफ एमिली डिकटर बाय जॉर्ज फिचर फर्स्ट मीटिंग इनकी पहली मीटिंग हुई चार्ल्स वर्ष वर्ष के साथ कब अठारह में इन्होंने उनको गाइडेंस के लिए यानी कि मुझे रहनुमाई दें शायरी में उनको एक रिक्वेस्ट की और उनके बारे में ये कहती थी चार्ल्स वर्ष वर्थ के बारे में शी कार्ड हर डियर रेस्ट अर्थली फ्रेड इन्होंने टोटल वन थाउजेंड लायरिक्स लिखे हैं एमरी डिकिन् ने इनकी अनोनमसली जो पोइट्री है यानी कि इनकी, इनकी जिंदगी में जो पब्लिश हुई है डेथ से पहले वो सिर्फ सिक्स पोएम्स हैं क्योंकि ये अपनी राइटिंग्स को अपने फ्रेंड्स तक महदूद रखती थी टोटल इनकी 1800 सौ हैं इनकी पोएम्स की अगर हम थीम्स देखें पहले आपको एक इशारा दे चुके हैं द वूमेन इन वाइट तो इनकी जो मेन थीम्स हैं इनकी पोइट्री के डिनाए सॉलीच्यूड नेचर लाइफ एंड डेथ विजन्स डेस्टनी मोटेलिटी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हुमेन लाइफ इनकी 1800 सौ एक ही दफ़ा जब पब्लिश हुई एक ही वर्क में तो उस वर्क का नाम था द पोइम्स ऑफ एमरी डिकनसन और इसको पब्लिश करवाया था टॉमस एच जॉनसन ने 1955 में इनके वर्क्स की बात करें तो आप एक स्क्रीनशॉट शॉट ले लें हम आपको शॉर्ट शॉर्ट बताते जाते हैं इनके वर्क्स पोइम्स अठारह सौ सेकंड सीरीज 1891 नाइनटी वन पोइम्स थर्ड सीरीज एटीन नाइनटी सिक्सल सिंगल हाउंड नाइनटीन फोर्टीन फर्दर पोएम्स ट्वेंटी नाइन अनपब्लिश्ड पोएम बॉल्स ऑफ मेलोडी एडिटर लेटर्स ये इनके वर्क काट ले लें सक्सेस इज काउंटेड दिस इज़ माई लेटर टू वर्ल्ड ये तमाम इनके वर्कस हैं टाइम एंड एटर्निटी पार्टिंग द स्काज़ लो द्राउड आर मीन आई एम नो बॉडी वेयर आर यू यहाँ हम अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं फ्रेंड्स मज़ीद लेक्चर्स सुनने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं जिनमें लेस्बियन के हवाले से एक लेक्चर है लेसबियनिज़म के हवाले से जॉन टन एज ए लव पोइट मोफालोजी जॉन कीड्स की जो है बायोग्राफी और उसके लव अफेयर के वाले से भी लेक्चर लिंक में मौजूद है उन पर क्लिक करके आप लेक्चर सुन सकते हैं अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए अला न